ये एक नया शो है तेरे बिन जो एन टीवी पे आ रहा है 18 जुलाई से रात 8 बजे। इस शो के बारे में अगर हम कहेंगे तो हम ये कहेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स लव स्टोरी है। इसमें तीन मचोट के किरदार हैं जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं जिनका टच है, जिनका कोई रिलेशन है, पर प्यार अधूरा रह जाता है। और ऐसे मौके पे लाके ज़िंदगी इनको एक दूसरे के सामने खड़ा करती है कि फिर वहाँ से ये किरदार किस डायरेक्शन में जाते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, इसको एक नए ट्रीटमेंट फॉर्मेट में एक सिंपलिस्टिक और रियलिस्टिक आधार में पिरो कर हमने ये शो बनाया है। और होपफुली हम आशा करते हैं कि आपको आजकल जैसे शो देख रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। और आपके किरदार की बात करें, आपने जैसे कि बोला था कि आप अपने डॉक्टर फैमिली हाँ जी चाहते हैं, उसके बारे में आप क्या कहें, किस तरह से आपको वाला प्रैक्टिस करनी पड़ी, काफ़ी आसान हो गया रोल आपके लिए? जी मैं जॉइंट फैमिली से आता हूँ और मेरे कई कजन्स डॉक्टर्स हैं, कई पायलट्स भी हैं, तो मतलब एक हेल्प हो जाती है कि जब आपने घर में बचपन से देखा है कि सर्जन्स कैसे बिहेव करते हैं, कैसे हॉस्पिटल में जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, तो एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने इर्द गिर्द से वो एक्सपीरियंस ग्रैंड करें। एंड आई एम रियली वेरी लकी कि अक्रॉस माय टेलीविजन करियर आई हैव प्लेड सम वेरी डिफरेंट कैरेक्टर्स, और बस सीखता जा रहा हूँ। होपफुली आपको इस किरदार में पसंद आऊँगा एंड स्काई इज द लिमिट। जस्ट माई लास्ट शो, तो उससे पहले भी तेरे तुम ऐसे ही रहना, बानिश द कलमा, आई थिंक सो बानिश द कलमा इज द शो जिसने मुझे आगे मेरे करियर में बढ़ने के लिए सपोर्ट किया है, बहुत हेल्प की है। मैं इस शो में नंदिनी भट्ट का कैरेक्टर कर रही हूँ जो प्रोफेशनली एक डॉक्टर है। बचपन में ही जिसके माँ बाप गुजर गए, उनके दूर के रिलेटिव ने उनको बड़ा किया है पाल पोस कर, अचानक ज़िंदगी में अक्षय आ गया, दोस्ती हो गई, प्यार हो गया, और उसका सब कुछ अक्षय ही था। और ऐसे एक मोड पर उसकी ज़िंदगी से अक्षय गायब हो जाता है, और 8 साल बाद जब वो सामने आए तो नंदिनी की हालत, उसकी जो जर्नी है वो दिखाने की कोशिश की गई है यहाँ पर। प्यार अधूरा रहना, उसे वापस पाने की कोशिश करना, इन सारों के बीच फंसी हुई ये नंदिनी जिसका कैरेक्टर मैं इस शो में प्ले कर रही हूँ। रियल लाइफ केमिस्ट्री अगर आप बोलेंगे तो इट इज़ अमेजिंग। और मैं बड़ा संजीदा किस्म का इंसान हूँ जैसा आप लोग जानते हैं, और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही संजीदा है। नहीं, बट फैक्ट ये रहता है कि वेन यू हैव गुड को एक्टर्स, तो ऐसा जब शो करते हैं जिसमें हम लोग के डायलॉग्स कम होते हैं, रिएक्शन ज़्यादा होते हैं, लुक्स इमोशन ज़्यादा है, तो उसमें बड़ा बड़ा हेल्प होता है वेन यू हैव गुड एक्टर्स। एंड आई एम वेरी लकी कि दोनों बहुत ही खूबसूरत और बड़ी उम्दा कलाकार मुझे मिली हैं शो में। सो होपफुली मैं आई होप टू मैच अप टू यू गाइस एंड देखते क्या होता है। थैंक्स। सॉरी, ये टाइटल बहुत ही कैची है तेरे बिन। जब मैंने पहली बार सुना कि शो, मैंने पूछा कि शो का नाम क्या है, क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स लव स्टोरी है तो आजकल जैसे नाम आते हैं ना लंबे चौड़े, पूरा गाना हो जाता है, एक ब्रेक निकल जाता है नाम बोलते हुए, तो पहली बार जब उन्होंने मुझे नाम बोला तो मैंने कहा यार कमाल है यार, बड़े दिन बाद कुछ ऐसा छोटा नाम आया है कि बोलने में ईजी रहता है, वरना शो खत्म हो जाता है नाम बोलते बोलते आजकल। हम कह सकते हैं काफ़ी इमोशन से गुजरेगा जी शो है, जी बिल्कुल, ये शो ही पूरा इमोशनल शो है। जैसा मैं बोलूँगा, जैसे हम लोग भी एज एन व्यूअर बोलता हूँ, जब मैं कभी टीवी देखता हूँ तो आजकल बहुत अच्छे शोज़ आ रहे हैं, मैं मतलब दो शोज़ आर डूइंग वेरी वेल, बट कहीं पे कोई जानवर बन रहा है, कोई गोलियाँ चला रहा है, कोई ये कर रहा है, तो मतलब मैंने भी किया हुआ है वो और आगे भी शायद मैं करूँगा वैसा, बट कभी कभी लगता है कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे एक सिंपलिसिटी एक चीज़ में जो होती है ना वो आपके जहन में रह जाती है। तो ये एक ऐसा शो है जो आप देखेंगे आपको पहले एपिसोड से ही पता चल जाएगा कि ये शो का जो ट्रीटमेंट है, इसकी जो सिंपलिसिटी है, मतलब आप ऐसे किरदार अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं, अपने फैमिली में देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी किरदार ऐसा नहीं है कि ये वैम्प है, मैं विलेन हूँ या ये वैम्प है, सिचुएशन ऐसी है कि वो किरदार कैसे बिहेव करता है, बहुत ही थिन लाइन है। जैसा आपने इमोशन का पूछा, पर्सनली मेरे लिए टफेस्ट रोल है जो मैंने अभी आज तक प्ले किया है एज एन एक्टर बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़रा सा इस लाइन को मैंने अगर गलत किया तो मैं विलेन लगने लगूंगा,
अगर मेरे को जहाँ नेगेटिव लगना है मैंने जरा सा पॉजिटिव किया तो पॉजिटिव. सो इट्स अ वेरी टफ मिडिल पार्ट टू कैरी. सो लॉट ऑफ इमोशंस, लॉट ऑफ इमोशंस. तभी मैं बोलता हूँ कॉम्प्लेक्स मैच्योर्ड लव स्टोरी. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि रोना धोना. दिस इज दिस स्टोरी इज लाइक जो जैसे अक्षय ने बताया बहुत रियलिस्टिक है कि हर कोई अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगा इस स्टोरी में. तो ये स्टोरी ऐसे है कि ये नहीं है कि कोई लीड है तो पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं हो सकता, ग्रे शेड नहीं हो सकता, ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है. अगर कोई लीड है तो उसको भी बहुत रियलिस्टिक वे में दिखाया गया है कि अगर उसके साथ कुछ बुरा होता है तो हम नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में जैसे रिएक्ट करते हैं. अगर कुछ बुरा होता है तो हम इरिटेट होकर आंसर करते हैं और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम लोग एक्ट करते हैं. तो ये स्टोरी बिल्कुल वैसी है कि चाहे लीड हो या कुछ भी ऐसा हो, वो सब नेचुरल वे से ही रिएक्ट करेंगे जैसा उनके साथ हो रहा है. मैं यहाँ पे सिर्फ एक ऐड करना चाहता हूँ, शिफाली ने बोला कि हम सबका कोई ना कोई पास्ट है. या जितने लोग यहाँ इस हॉल में हैं या जो भी हमको देख रहा है आपके जरिए, सबका कोई ना कोई पास्ट है. और जैसा लोग बोलते हैं कि किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, तो वही है इसका एक बॉटम लाइन कि सब कुछ होने के बावजूद लाइक द कैरेक्टर्स आर वेरी हैप्पी. एक डॉक्टर है, पढ़ा लिखा, सेटल्ड, बहुत अच्छी वाइफ है, बच्ची से बहुत प्यार करता है, ये बहुत अच्छी डॉक्टर है. मतलब हमारे सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे सेटल्ड हैं, बट तब भी कहीं ना कहीं दिल में एक कशिश है कि यूं होता तो क्या होता, जो हमारे शो की टैगलाइन है. तो कहीं ना कहीं जो होता है कि थोड़ा और, थोड़ा और. तो ये शो उस पर है, तो दैट्स व्हाई आई से कॉम्प्लेक्स लव स्टोरी. देखिए, उम्मीदें तो मेरी बहुत हैं शो से, क्योंकि ये शो वाकई अच्छा बना है. और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चंद शोज़ कर चुका हूँ पास्ट में, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये शो थोड़ा सा डिफरेंट है, एटलीस्ट जो शोज़ मैंने किए हैं उससे. तो ऐसा शो जब मैंने घर पे अपने मॉम डैड को ये स्टोरी शेयर की, तो उन्होंने फौरन बोला, यार ये शो देखने में मज़ा आएगा, आई होप तुम लोग अच्छा बनाओ. तो मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में जो भी ऐसा इंसान है जो थोड़ा सा मच्योरली थोड़ी स्टोरी देखना चाहता है, थोड़ा सा सिंपल स्टोरी देखना चाहता है, उसको ये शो पसंद आएगा. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू.